अमेरिका और भारत में जंग हो गई तो क्या होगा? आपने कभी ना कभी यह तो जरूर सोचा होगा। हो सकता है आपको इसका जवाब मिल गया हो, और यह भी हो सकता है कि आपको इसका जवाब जो मिला हो वो गलत हो। तो आप फिक्र मत करिए, मेरी आज की वीडियो इसी टॉपिक पर है। आज मैं आपको इसके बारे में बहुत डिटेल में बताने वाला हूँ, और मेरा वादा है आपसे कि मेरी यह वीडियो देखने के बाद आपके सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो आप एकदम लास्ट तक देखिएगा, और वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप मत करिएगा, क्योंकि अगर आपने वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप कर दिया तो आप सही जानकारी से अनजान रह जाएंगे। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका दुनिया का सबसे मजबूत और काफ़ी एडवांस देश है। वैसे इस बात पर भी कोई शक नहीं किया जा सकता कि इसकी सेना दुनिया की सबसे खतरनाक सेनाओं में से एक है, और यह देश कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के मामले में भी दुनिया भर में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है, और दुनिया भर में अमेरिका और रूस परमाणु हथियारों में सबसे ऊपर आके जाते हैं। तो यह तो हो गई अमेरिका की बात, अब बात कर लेते हैं हम भारत की। तो हो सकता है आपको यह जानकर हैरानी हो कि भारत को इन चीज़ों में चौथे नंबर पर आका जाता है दुनिया भर में, जबकि हमारी सेना अभी इतनी ज़्यादा एडवांस नहीं है और ना ही इतनी प्रसिद्ध है, और बल्कि हमारी आज़ादी को अभी केवल 71 साल ही हुए हैं और हम लोग बड़ी तेज़ी से काफ़ी विकसित हो गए हैं और लगातार होते ही जा रहे हैं। भारत दुनिया का दूसरा सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश है, और इसकी सेना भी दुनिया भर की दूसरी सबसे बड़ी सेना है, जो कि अपनी मर्जी से भर्ती हुए सैनानिकों की सेना है। तो चलिए अब दोनों देशों का मैचअप करते हैं मिलिट्री, सेना और अन्य चीज़ों से, और पता लगाते हैं अगर अमेरिका और इंडिया में युद्ध हुआ तो कौन जीतेगा। मगर मेरा इससे पहले आपसे निवेदन है कि आप कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आप आगे आने वाली और भी एक्साइटिंग और नॉलेजेबल वीडियोज़ को मिस ना कर दें। तो शुरू करते हैं अमेरिका की विशाल सेना से। अमेरिका की कुल आबादी मात्र 32.8 करोड़ है, जिसमें से 13 लाख लोग सेना में हैं और 8,11,000 लोग रिजर्व कर्मी हैं। इसके बावजूद अमेरिका का रक्षा बजट अब तक का दुनिया का सबसे बड़ा रक्षा बजट है। इस देश की 18 अरब डॉलर से भी अधिक की जीडीपी है, जिसमें से अमेरिका अपनी सेना पर 11 अरब डॉलर खर्च करता है, यानी कि अपनी जीडीपी का 3.3%, जो कि चीन की सेना खर्च का भी 3 गुना ज़्यादा है, जबकि चीन दुनिया की सबसे बड़ी सेना है और अमेरिका दुनिया की तीसरी। इसके बावजूद अमेरिका की सरकार ने प्रशासन बजट और सेना बजट को बढ़ाने के लिए 54 अरब डॉलर और दिए हैं। तो अब बात करते हैं भारत की। भारत की कुल आबादी 1.35 अरब यानी कि 135 करोड़ लोगों की है, जिसमें से 14 लाख लोग सेना में हैं और 11,75,000 लोग रिजर्व कर्मी हैं, जो कि अमेरिका से काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन बजट के मामले में काफ़ी कम, क्योंकि इंडिया के पास 9.489 अरब डॉलर की जीडीपी है, जिसमें से 55.9 अरब डॉलर अपनी सेना पर खर्च करता है। यह अनुमान है कि 2020 में यह संख्या 64 अरब डॉलर तक हो जाएगी, क्योंकि भारत अब अपनी सेना को और भी एडवांस करने में लगा है। अब बात करते हैं जंग की, और जंग में देखते हैं पहले ज़मीनी लड़ाई की ओर। तो अमेरिका के पास 5,884 टैंक्स, 41,072 लड़ाकू वाहन, 1,934 बंदूकें, 1,299 खींचने वाली तोप और 1,331 बहुलॉन्च रॉकेट प्रणाली है। भारत में अभी फिलहाल इन चीज़ों की संख्या कम है। भारत के पास 4,426 टैंक्स, 6,704 लड़ाकू वाहन, 290 बंदूकें, 7,414 खींचने वाली तोप और 292 बहुलॉन्च रॉकेट सिस्टम है। भारत को अभी अपनी ज़मीनी उपकरणों को बढ़ाने की सख्त ज़रूरत है, और यही कारण भी है कि भारत सरकार इन पर बड़े निवेश कर रही है। भारत के विकास की प्रक्रिया में बेड़े पैमाने पर अर्जुन MK2 तीसरी पीढ़ी के बेड़े युद्ध टैंक को फील्ड युक्तिकरण योजना के तहत शामिल किया गया है, और 3,000 से 4,000 नए तोप पर सरकार द्वारा 3 अरब डॉलर तक खर्च किया जाएगा। और अमेरिका बेड़े पैमाने पर अपनी तीसरी पीढ़ी के युद्ध टैंक M1 अब्राहम पर निर्भर है, जो लड़ाई में कई बार अपने आप को साबित भी कर चुका है और अक्सर दुनिया के बेहतर टैंकों की सूची में नंबर एक पर ही दिखता है। और इस टैंक का नया वर्जन M1A2 सितंबर 2021 में परीक्षण करने के लिए तैयार हो जाएगा। तो कुल मिलाकर भारत अपनी सेना भूमि वाहनों को अच्छा करने के प्रयास के बावजूद भी अमेरिका मजबूती से आगे है। तो अब बात करते हैं विमानी लड़ाई की। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका युद्ध में खुद यह नहीं चुनाव कर पाता
कि अपने 13,444 विमानों में से कौन सा विमान युद्ध के लिए इस्तेमाल करे। मैं आपको बता दूं, अमेरिका में दुनिया की सबसे ज़्यादा प्रभावशाली मशीनें पाई जाती हैं, जिसमें से 19F-22A रैप्टर्स, 957F-16 लड़ाकू फाल्कन, 257F-15E स्ट्राइक ईगल और 71F-35A लाइटनिंग ड्यूटी भी शामिल है। F-35 को अब तक का सबसे ज़्यादा उत्तम आविष्कार विमान कहा जाता है, हालांकि इसकी लागत काफ़ी ज़्यादा है और यह कुछ लेकिन बड़े नाकामयाबी से भी गुजर चुका है। इसके बारे में यह कहा जाता था कि इस पर किया गया इतना ज़्यादा खर्च इसको दुनिया का नंबर वन लड़ाकू विमान बनाने के लिए पर्याप्त है। भारत की सेना भी इन चीज़ों में कम नहीं है। कर्मियों और विमानों के मामले में इन्हें दुनिया भर में चौथा दर्जा मिला हुआ है। इनके 1720 विमानों में से 900 विमान लड़ाई के लिए सक्षम हैं। इनके पास बेड़े रूस निर्मित SU-30 MKIS और मिकोयान MIG 29 है। साथ ही उच्च रेटिंग वाले फ्रांस निर्मित बहुभूमिका लड़ाकू डेसॉल्ट मिराज 2000 भी है। भारत और अमेरिका दोनों दुनिया भर में टॉप 10 नौसेनाओं में से आते हैं, जिसमें अमेरिका को नंबर एक पर देखा जाता है। विशाल अमेरिका नौसेना के पास 11 विमान वाहक, 22 जहाज, 67 डिस्ट्रॉयर्स, 8 फ्रिगेट्स, 75 सबमरीन, 0 वाहक, 9 डबल गति वाले जहाज, 11 छोटे लड़ाकू जहाज, 55 पेट्रोल वाले जहाज शामिल हैं। और भारत की नौसेना के पास सिर्फ एक विमान वाहक, 0 जहाज, 11 डिस्ट्रॉयर्स, 14 फ्रिगेट्स, 15 सबमरीन, 25 वाहक, 0 डबल गति वाले जहाज, 7 छोटे लड़ाकू जहाज और 72 पेट्रोल शिप्स हैं। अब बात करते हैं परमाणु हथियारों की। अमेरिका और भारत दोनों दुनिया भर के टॉप 9 कंट्रीज में माने जाते हैं। अंतर सिर्फ इतना है कि हमारे ग्रह के 15,000 परमाणु हथियारों में से आधे का मालिक अमेरिका है, रूस बाकी बचे आधे का, और बाकी 7 देशों के पास इनकी तुलना में छोटे परमाणु हथियार हैं। इन देशों में से भारत के पास 120 परमाणु हथियार हैं, हालांकि इनमें से अभी तक कोई भी तैनात नहीं किए गए, और अमेरिका के पास एक अनुमान के अनुसार 1800 परमाणु हथियार तैनात हैं। एक चीज़ और है जो ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि इन दोनों देशों को तेल से कितनी शक्ति मिलती है। अमेरिका प्रतिदिन 8.6 बैरल तेल का उत्पादन करता है, जबकि 19 मिलियन बैरल तेल के आसपास प्रतिदिन खपत करता है। अमेरिका के पास तकरीबन 36.5 तेल का भंडार है। भारत प्रतिदिन 76,70,000 बैरल तेल पैदा करता है, जबकि 35,00,000 बैरल तेल की खपत करता है। भारत के पास 5.5 अरब बैरल तेल के आसपास तेल भंडार है। भारत लगभग निश्चित रूप से सेना में महाशक्ति बन चुका है अपनी तेजी से आधुनिकीकरण की वजह से, लेकिन संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का कोई मुकाबला नहीं है। एक देश जिसकी सेना लगातार परीक्षण करी जा रही है। हाल के दिनों में भारत की सेना ज़्यादातर छोटे मिशन और संघर्ष शांति स्थापना मिशन में ही शामिल हुई है, जबकि अमेरिका की सेना के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता। 1976 के बाद से अमेरिका टोटल 103 युद्धों में शामिल हो चुका है, जो कि इसकी सेना को ज़्यादा अनुभवी घोषित करता है। तो दोस्तों, आपको यह मैचअप कैसा लगा और इससे जुड़े आपके विचार क्या हैं? क्या वाकई में भारत अमेरिका से काफ़ी कमज़ोर है? आप इसके बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके प्लीज़ बताइए, मुझे यह जानकर बहुत खुशी होगी। मगर जाते जाते बेल आइकन को ज़रूर दबाते जाइएगा, जिससे कि आप आगे अपलोड होने वाली इस चैनल पर सभी वीडियो को टाइम टू टाइम देख पाएँ और प्राइसलेस नॉलेज को हासिल कर सकें।